राजश्री के हाथों में चोट लग गई बिकॉज वो मुझे गुंडों से बचा रही थी और मुझे गुंडों से बचाते बचाते उनको चोट लग गई, तो मैं और कबीर आके उनको अभी उनके घर पे लेकर आए हैं। और जैसे कि जो दर्शक परफेक्ट पति देखते हैं उन्हें पता ही है कि मैं ही विदिता हूँ, और विदिता का फेस चेंज हो गया है और मैं पायल बन चुकी हूँ और मैं अपने ही घर में वापस आई हूँ। तो मुझे कुछ कुछ ऐसे यादें ताज़ा हो रही है, बट अभी तक याददाश्त पूरी तरीके से आ नहीं पा रही है। बट लेट्स सी कि आगे हमारी कहानी में क्या होता है, हम टाइम टू टाइम आपको दिखाते रहेंगे। पगड़ी जो मैं बांध रही थी कबीर को, वो हम गुंडों से बचने के लिए अपनी वेशभूषा चेंज करते हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज करते हैं और हमें गोडाउन में ट्रैप हो जाते हैं, और उसके बाद हमें कुछ कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं तो हम वो कॉस्ट्यूम पहन के अब हम बाहर जाने वाले हैं। तो उसको पगड़ी बांधना नहीं आ रही ठीक से। अब जैसे कि जो दर्शक परफेक्ट पति देखते हैं उन्हें पता होगा कि विदिता जो है वो राजस्थानी है और उसको अननोइंगली पगड़ी बांधना आता है, तो याददाश्त तो जा चुकी है अब, लेकिन वो ठीक बांध रही है उसको। उसी टाइम पर एक प्रॉक्सिमिटी, एक नज़दीकी बढ़ जाती है दोनों के बीच में और एक शायद रोमांस का आगाज़ कह सकते हैं आप उसको। एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट होप के टेलीकास्ट में भी हमारे दर्शकों को उतना ही ब्यूटीफुल लगे। पुष्कर से तो पायल दो बार उसका वो टकरा चुकी है, एक बार एक नदी के किनारे टकरा चुकी है और उससे पहले एक हाईवे पे ढाबे पे टकरा चुकी है। तो जब जब वो उसको देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसको समझ नहीं आता कि इस लड़के को देख के मुझे ऐसा क्यों फील होता है, बट ऑब्वियसली एक पास्ट है उसके साथ तो इसलिए उसको ऐसा फील होता है। बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने जो जो मेरे शोज़ देखे हैं, नहीं भी देखे हैं तो इसे मेरा पहला शो समझ के देख लीजिए एंड बहुत प्यार दीजिए शो को, बिकॉज अच्छी है स्टोरी, मतलब आप बोर नहीं होंगे, देखेंगे तो थोड़ा यू विल बी ग्लूड टू द शो। एंड या मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी टेलीविज़न जर्नी में ये इस शो ने भी अपनी एक जगह बनाई है और मैंने जगह बनाई है इस शो में, अपनी एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश में कर रही हूँ। सो आई जस्ट होप इट इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस।